हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, मैंने इसका फर्स्ट पार्ट बनाया था इस चैप्टर का। आज मैं आप लोगों का को इसके आगे सेकंड पार्ट इसमें एक्सप्लेन करूंगी। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि एग्रीकल्चर क्या है, क्रॉप क्या है और किस तरीके से सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है। इसके सारे ये देखिए, मैंने आपको इसका क्लासिफिकेशन भी बताया था कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस कैसे की जानी है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट चल रहा था सॉइल प्रिपरेशन। सॉइल प्रिपरेशन का मैंने आपको प्लगिंग, किस प्रकार से प्लगिंग करना है और उसे प्रिपेयर किया जाता है, क्यों आवश्यक है, इस पर कुछ टॉपिक 3 पॉइंट मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने बताई थी आप लोगों को। अब हम इसके आगे के पॉइंट आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसके आगे का पार्ट उसमें क्या प्लगिंग के बारे में बताई जा रही है वो मैं चल रही हूँ एक्सप्लेन करने। तो बच्चों, आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लगता है तो और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और मैं कोशिश करूँगी कि आपको पूरी प्रिपरेशन करा सकूँ और सोल्यूशन भी बता सकूँ। तो चलते हैं हम आगे प्लगिंग के नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए, इसके बाद थर्ड पॉइंट तक मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। इसका फोर्थ पॉइंट है कि प्लगिंग क्या काम करता है। इट हेल्प इन ब्रिंगिंग न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टैप। कह रहे हैं कि इट हेल्प, ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं प्लगिंग करने से? ये पहुंचाता है, ब्रिंगिंग मीन्स होता है पहुंचाना है, न्यूट्रिएंट रिच सॉइल, जो सॉइल होती है उसको न्यूट्रिएंट उसमें पहुंचाने का काम करता है टू द टॉप। टॉप मतलब ऊपर तक। मिट्टी का काम क्या है? न्यूट्रिएंट को ऊपर लाना। जब हम प्लगिंग कर देते हैं तो जो नीचे की न्यूट्रिएंट होती है मिट्टी की, वो जब खुदाई हो जाती है तो क्या होता है, नीचे से न्यूट्रिएंट सब ऊपर आ जाते हैं। तो एक हेल्प ये करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि इट हेल्प्स द सॉइल टू मिक्स वेल विद फर्टिलाइजर्स। और उसमें देखिए, खेतों में क्या होता है, फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं, यानी खाद डाला जाता है। तो जब हम प्लगिंग करते हैं सॉइल को तो क्या होता है, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं मिट्टी में, यानी ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर, तो इस तरह से उसको मिक्स कर देता है फर्टिलाइजर्स को। नेक्स्ट पॉइंट है कि इट हेल्प्स इन द रिमूवल्स ऑफ अनडिज़ायरेबल्स प्लांट्स कॉल्ड वीड्स। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर जब हम प्लगिंग खेतों में होती है तो उस समय क्या होता है, सारी नीचे की मिट्टी ऊपर, ऊपर की मिट्टियाँ नीचे होती हैं, तो उसमें जो वेस्ट प्लांट उगे रहते हैं, यानी जो वीड्स वगैरह होती हैं, जो हाँ मतलब जड़ें हैं और सब जो बेकार से प्लांट्स हैं उसमें निकले होते हैं कि जिनका कोई यूज़ नहीं है और वो मिट्टी को ख़राब ही करते हैं, तो वो सब क्या करते हैं, उनको रिमूव कर देते हैं यानी हटा देते हैं। तो जब खुदाई होती है यानी प्लगिंग की जाती है तो उसमें से जितनी घास वगैरह है और सब जो अनयूज़फुल प्लांट्स हैं वो सब क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं, हट जाते हैं। तो बहुत बेनिफिट है, प्लगिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है कि द बरोइंग एक्शंस ऑफ ऑर्गेनिज्म सच एज अर्थवर्म्स आल्सो हेल्प इन लूजिंग एंड टर्निंग द सॉइल। कह रहे हैं कि द बरोइंग एक्शन, इसमें बरोइंग का मतलब होता है सुरंग। छोटे छोटे देखते हैं कि मिट्टी में क्या होता है, कहीं कहीं पोल सा दिखाई देता है जैसे सुरंग सी बनी हुई हो, है ना। तो एक्शंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो इस सुरंग बनाने के काम, एक्शन जो ये होता है ऑफ ऑर्गेनिज्म किसी एनिमल्स के द्वारा, सच एज अर्थवार्म, तो कीड़े मकोड़े क्या करते हैं, उसमें मिट्टी के अंदर घुसते हैं तो वो क्या बन जाता है, सुरंग बन जाता है। तो ये कह रहे हैं कि जो गड्ढे बनाते जाते हैं, जैसे कि अर्थवर्म क्या है, केंचुए को कहते हैं, वो क्या करता है, मिट्टी को अंदर रहता ही है ना, मिट्टी के अंदर तो पोली करता रहता है। तो आल्सो हेल्प इज लूजिंग, तो ये क्या काम करते हैं, ये लूज बना देता है मिट्टियों को, ढीला करता है, एंड टर्निंग द सॉइल, और मिट्टी को पलट देता है। तो नीचे से ऐसे खाता जाता है मिट्टियों को और ऊपर से पूरी इसके रूप में गोली, छोटी छोटी गोलियाँ आप खेत में देखे होंगे,
की दिखाई देती है तो वो क्या करते हैं, नीचे की मिट्टी को ऊपर निकालते जाते हैं और वो अंदर सुरंग बनाते चले जाते हैं। तो ये क्या काम करता है, केंचुआ यानी अर्थवर्म क्या करता है, लूज करता है और नीचे की मिट्टी को ऊपर कर देता है यानी टर्निंग द सॉयल। दीज ऑर्गेनिज्म आल्सो हेल्प इन द डीके ऑफ डी प्लांट एंड नहीं डेड प्लांट एंड एनिमल्स इन द सॉयल। कह रहे हैं कि दीज ऑर्गेनिज्म, इस प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी कि जैसे अर्थवर्म की बात हो रही है, ये और हेल्प क्या करते हैं, इन द डीके ऑफ डेड प्लांट्स, जो मृत प्लांट होते हैं उनको ख़त्म करते हैं, जो मतलब उसमें सूखे सूखे पत्तियाँ वगैरह इन सबको खा के इसको डीके कर देते हैं यानी इसको ख़त्म कर देते हैं। एंड एनिमल्स इन द सॉयल, और जो उसमें सड़े गले जो मरे कीड़े मकोड़े होते हैं उन सबको क्या करते हैं, ये नष्ट कर देते हैं यानी ख़त्म कर देते हैं, डीके कर देते हैं, उसका डेड डीकेइंग कर देते हैं, उसको एकदम समाप्त कर देते हैं। तो दिस प्रोसेस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ए सब्सटेंस कॉल्ड ह्यूमस विच इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट। तो ये अब क्रिया यानी ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ए सब्सटेंस, जिस तरीके से सब्सटेंस के फॉर्मेशन को बढ़ाती है यानी आगे करती है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। एंड विच इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स, और इससे क्या होता है, प्लांट को अधिक मात्रा में न्यूट्रिएंट प्राप्त होते हैं। तो सॉयल इज प्लग्ड विद द हेल्प ऑफ ए टूल कॉल्ड ए प्लग। तो सॉयल का प्लग्ड जो किया जाता है वो किसकी सहायता से किया जाता है, टूल्स की सहायता से यानी किसी उपकरण की सहायता से किया जाता है। तो उस उपकरण का क्या नाम है यानी उस यंत्र का क्या नाम है, प्लग नाम है। प्लग यानी कि हल, जिसे कहते हैं हल होता है ना, तो ऐसे ही आजकल तो ट्रैक्टर वगैरह से खुदाई जो है प्लगिंग हो जाती है, पहले बैलगाड़ी से होती है यानी फार्मर जो होते हैं वो बैलों की सहायता से प्लगिंग करते थे। तो आज तो बहुत मॉडर्न समय हो गया, समय की बचत होती है, ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर से चलवा दिया जाता है, बस प्लगिंग हो गई आसानी से और कम समय में भी। हाँ देखिए, द प्लग एंड अदर टूल्स नीडेड टू कैरी आउट एग्रीकल्चर्स एंड प्रैक्टिस आर कॉल्ड एग्रीकल्चरल इम्पोर्टेंस। तो कह रहे हैं कि द प्लग्स यानी कि ये जो यंत्र होता है यानी प्लग्स होता है यानी हल होता है, एंड अदर टूल्स और दूसरे जो उपकरण होते हैं, नीडेड टू कैरी आउट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस आर कॉल्ड एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट होते हैं, इम्प्लीमेंट्स। तो ये जो टूल्स वगैरह होते हैं जिस तरीके से एग्रीकल्चर में की प्रैक्टिस में सहायता करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट कहलाते हैं। तो हेल्प जो करते हैं, जिस तरह से इसकी सहायता करते हैं, वो जो एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस में हेल्प कर रहे हैं जो टूल्स, वो क्या कहलाते हैं, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट। प्लग्स आर ड्रॉन आइदर बाई बुलकार्ड और अदर एनिमल्स सच एज हॉर्स एंड कैमल्स और यूजिंग ए ट्रैक्टर। देखिए अभी मैंने आपको बताया ना, तो इसमें क्या कह रहे हैं कि प्लग्स जो होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, या तो बैलगाड़ियाँ होती हैं यानी कि बैल्स होते हैं उनके द्वारा खींचा जाता है, और अदर एनिमल्स और दूसरे जानवरों की सहायता से, एनिमल्स की सहायता से, जैसे घोड़ों की सहायता से, कैमल्स, लेकिन इन लोग का यूज़ जल्दी नहीं होता है, यूज़ तो किसका होता है, इन्हीं बुल्स का ही होता है यानी कि बैलों की जोड़ियाँ होती हैं उन्हीं से किया जाता था। उससे ज़्यादा किस चीज़ से होता है, हमने अभी आपको बताया कि यूजिंग ए ट्रैक्टर यानी ट्रैक्टर की सहायता से किया जाता है। ए प्लग्स मे बी मेड ऑफ वुड। प्लग्स यानी कि प्लग्स क्या, यंत्र की टूल्स की बात कर रहा है ना, यानी जो हल होता है ये किसके बने होते हैं, लकड़ी के बने होते हैं, और आयरन और लोहे के बने होते हैं। आयरन मीन्स क्या होता है, लोहा होता है, या तो लोहे के बने होते हैं और या फिर लकड़ियों के, पहले तो लकड़ी के होते थे लेकिन आजकल किसके होते हैं, लोहे के बने होते हैं। नाउ डेज इम्पोर्टेंट कार कल्टीवेटर्स विच आर ड्राइवन बाई ट्रैक्टर। देखिए कह रहे हैं कि नाउडेज आज के दिनों में इम्प्लीमेंट्स कॉल कल्टीवेटर्स, जो इम्प्लीमेंट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कल्टीवेटर्स कहलाते हैं।
विच जो कि आर ड्राइव बाई ट्रैक्टर, जो किसकी सहायता से यूज़ किए जाते हैं, ट्रैक्टर की सहायता से चलाए जाते हैं, यानी कि जहाँ पे बुल्क होते थे अब उसकी जगह पे ट्रैक्टर का यूज़ होता है। आर इंक्रीजिंगली बीइंग यूज फॉर प्लगिंग, ये प्लगिंग की मात्रा को बढ़ा देते हैं, यानी बैल जितनी देर में जितने खेतों को प्लगिंग करता था, ट्रैक्टर पंद्रह मिनट होता है उस काम को निपटा देता है, तो इंक्रीज़ कर देता है ना, इंक्रीजिंगली बीइंग यूज फॉर प्लगिंग, ये प्लगिंग की मात्रा को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो दे सेव बोथ टाइम एंड एफोर्ट, ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि इसका यूज़ करने से, यानी ट्रैक्टर का यूज़ करने से क्या होता है, दो चीज़ें बचती हैं, एक तो आपका समय बचता है, दूसरा आपको बेनिफिट होता है कि जल्दी काम हो जाता है और समय भी कम लगता है ना। तो बच्चों इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम अपने अब दूसरे पॉइंट पर। हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, लेबलिंग करना। फर्स्ट पॉइंट हमारा प्लगिंग था, अब दूसरा क्या है, लेबलिंग। अभी ये मिट्टी की तैयारी हो रही है कि खेतों में मिट्टी को तैयार कैसे करना, थ्री पॉइंट थे उसमें फर्स्ट पॉइंट प्लगिंग पड़ा, सेकंड आपका है लेबलिंग। देखिए इवन आफ्टर प्लगिंग, प्लगिंग करने के बाद बिग लम्ब्स ऑफ सॉयल्स कॉल्ड क्लॉड्स मे रिमेन्स इन द फील्ड, कह रहे हैं कि जब प्लगिंग हो जाती है, प्लगिंग करने के बाद क्या होता है, लम्ब्स रह जाते हैं, यानी कि बड़े बड़े गड्ढे ऐसे रह जाते हैं ना मिट्टी के, ढेले ढेले टाइप में बड़े बड़े, ट्रैक्टर से जब किए जाते हैं तो आपने कभी देखा होगा कि गांव में जब किया जाता है तो क्या होता है कि उसमें बड़े बड़े से ढेले टाइप में पार्ट्स दिखाई देते हैं मिट्टी के, तो वो क्या कहलाते हैं, कॉल्ड क्लॉट्स कहलाते हैं, क्लॉट्स भी इसको कहते हैं, एंड मे रिमेन इन द फील्ड, जो फील्ड में बचे रह जाते हैं। तो दीज आर क्रश्ड यूजिंग वुडन और आयरन प्लैंक्स कॉल्ड लेवलर्स। देखिए वो किसकी सहायता से, कह रहे हैं कि लकड़ी के और या फिर लोहे के बने हुए टुकड़े से होते हैं, जिनकी सहायता से उसको क्या किया जाता है, तोड़ दिया जाता है। क्रश्ड करना मतलब है कि पीस देना, एकदम महीन महीन सा कर देना, तो वो एकदम उसको तोड़कर महीन कर देते हैं, बारीक सा कर देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उस प्लैंक्स को क्या कहते हैं, कहते हैं उसको लेवलर। वो लेवल कर देता है ना मिट्टियों में जो ढेले और बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, उन सबको तोड़ देते हैं, तो उसका नाम है लेवलर, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लेवलिंग, और इस क्रिया को क्या कहते हैं, लेवलिंग कहते हैं। तो उपकरण को क्या कहेंगे, लेवलर कहेंगे, जिसकी सहायता से लेवल किया गया, और उस इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, लेवलिंग कहेंगे। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट हमारा है अप्लाइंग फर्टिलाइजर्स। अब मिट्टी में क्या करना है, फर्टिलाइजर्स को डालना है, यानी खाद को डालना है। देखिए व्हेन क्रॉप आर ग्रोन इन अ फील्ड, जब फसलें क्या होती हैं, फील्ड में ग्रो करती हैं, यानी बढ़ती हैं, तो दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉयल, ये मिट्टी से क्या करती है, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्ब करना मतलब सोखना, तो वो मिट्टी से न्यूट्रिएंट को क्या करते हैं, सोखते हैं। आफ्टर ग्रोइंग, बढ़ने के बाद डिफरेंट क्रॉप्स इन द सेम फील्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम द लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉयल में डिक्रीज एज दे आर बीइंग यूज्ड अप बाय द क्रॉप्स। हाँ, क्या कह रहे हैं कि आफ्टर ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स, अलग अलग प्रकार की फसलों को जब ग्रो किया जाता है, तो इन द सेम फील्ड, एक ही फील्ड में, यानी एक ही खेत में अगर कई प्रकार की, विभिन्न प्रकार के फसलों को उगाया जाता है, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो लंबे समय के लिए, मतलब ज़्यादा समय लगता है, तो द लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट इन द सॉयल में डिक्रीज, तो क्या होता है, उसी खेत में अगर हम कई फसलों को एक साथ उगा रहे हैं और काफ़ी समय तक, एक लगाया फिर हटाया फिर दूसरा लगाया फिर हटाया, तो इस तरह से क्या होता है कि लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट इन द सॉयल जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, यानी कि सॉयल में न्यूट्रिएंट की जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है। तो एज दे आर बीइंग यूज्ड अप बाय द क्रॉप,
बार बार फसलों को के लिए इसको यूज़ किया जाता है। जब यूज़ किया जाता है यानी कि एक फसल लगाया फिर उसको निकाला दूसरा लगा दिया, दूसरा निकाला तीसरा लगा दिया ना, तो इस तरह से जब हम करते हैं तो सॉइल में न्यूट्रिएंट की जो अमाउंट होता है, लेवल होता है, वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो इवेंचुअली द सॉइल में इवन टर्न इनफर्टिल। तो क्या कह रहा है कि इवेंचुअली उस समय द सॉइल क्या होते हैं, में इवन टर्न इनफर्टिल, तो वो जो सॉइल होती है वो क्या हो जाती है, अब इनफर्टिल हो जाती है, यानी कि इसमें खाद जो होती है वो नहीं के बराबर हो जाती है। नॉट अलाउ ग्रो टू द क्रॉप एट ऑल। तो इसलिए क्या किया जाता है कि विभिन्न प्रकार की फसलों को नहीं साथ में एक ग्राउंड में उगाया जाता है। टू अवॉइड दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन से हमें बचना चाहिए, इस कंडीशन से कि ऐसा ना हो कि हम अगर न्यूट्रिएंट की मात्रा अगर डिके करना है तो फसल पे फसल उसी में एक के बाद एक कई फसलों को उगा दें तो न्यूट्रिएंट उसमें क्या होता है, कम होने लगता है, तो इससे हमें बचना चाहिए। फार्मर्स ऑफ्टन एडेड सब्सटेंसेस कॉल्ड फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल। तो इससे बचते हैं, मतलब अगर उगाना ही है तो उसमें क्या किया जाता है, तो उसमें जो फार्मर होते हैं, किसान होते हैं, वो ऐड करते हैं सब्सटेंस को, जिस सब्सटेंस को ऐड करते हैं कि वो फर्टिल हो जाए मतलब हमारी मिट्टी, तो उसको क्या कहते हैं, फर्टिलाइजर्स कहते हैं टू द सॉइल। तो वो मिट्टी के फर्टिलाइजर्स होते हैं जिनसे फर्टिलाइज़र की मात्रा बढ़ जाती है। तो फर्टिलाइजर्स आर नेचुरल और केमिकल सब्सटेंस दैट कंटेन्स वन और मोर न्यूट्रिएंट इसेंशियल्स फॉर प्लांट ग्रोथ। तो फर्टिलाइजर्स आर नेचुरल और केमिकल, फर्टिलाइजर्स नेचुरल भी होते हैं और केमिकल भी होते हैं। नेचुरल कौन से, जैसे गोबर की खाद वगैरह डाल दो तो ये सब नेचुरल चीज़ें हैं, है ना। और केमिकल सब्सटेंस में यूरिया वगैरह की खाद डाली जाती है, तो ये सब हैं क्या होते हैं, ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं। तो फर्टिल जो होते हैं ये टू टाइप्स के हैं, नेचुरल भी है और केमिकल सब्सटेंस दोनों तरीके के हैं। दैट कंटेन्स वन और मोर न्यूट्रिएंट एसेंशियल फॉर द प्लांट ग्रोथ। तो पौधों को ग्रो करने के लिए एक या दो बार न्यूट्रिएंट डालना ज़रूरी होता है, मतलब किसी भी न्यूट्रिएंट का यूज़ करना ज़रूरी है कि जिससे प्लांट ग्रो कर सके। तो डिस्क्राइब द डिफरेंट, देखिए इसमें दिया है टेबल 1.1 डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल और केमिकल फर्टिलाइजर्स। अब इसमें टेबल आपको एक दिया गया है, इसमें डिफरेंस बताया गया है यानी अंतर बताया गया है किसके किसके बीच में, नेचुरल और केमिकल फर्टिलाइजर्स के बीच में। देखिए क्या है डिफरेंस, नेचुरल और केमिकल डिफरेंस, केमिकल फर्टिलाइजर्स इनके बीच में देखिए डिफरेंस है। इधर देखिए एक साइड में दिया है नेचुरल फर्टिलाइजर, दूसरे साइड में दिया है केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो नेचुरल फर्टिलाइजर्स का फर्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें लिखा है कि दीज आर ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स वेस्टेड। ये बता रहे हैं कि नेचुरल फर्टिलाइजर कहाँ से मिलते हैं, ये प्राप्त किए जाते हैं, ऑब्टेंड मीन्स होता है प्राप्त किए जाते हैं फ्रॉम प्लांट, पौधों से एंड एनिमल के वेस्ट से। हमने अभी आपको बताया ना कि गोबर की खाद होती है तो किससे मिलता है, एनिमल से ही तो प्राप्त होते हैं। और प्लांट की खाद की बात हो गई तो उसमें जब प्लांट सड़ जाते हैं तो सड़ने के बाद वो खाद बन जाते हैं ना, तो इस तरीके से प्लांट और एनिमल्स के वेस्ट से जो प्राप्त किए जाते हैं वो होते हैं क्या, नेचुरल फर्टिलाइजर। अब केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या, दीज आर केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज। ये केमिकल सब्सटेंस जो होते हैं ये कहाँ से बनाए जाते हैं, ये प्रोड्यूस किए जाते हैं फैक्ट्री से। ओके, इतना आ गया होगा समझ में। अब सेकंड पॉइंट है नेचुरल फर्टिलाइजर्स में देखिए कि दीज इंक्रीज द ह्यूमस कंटेंट ऑफ द सॉइल। ये क्या करते हैं, ये इंक्रीज कर देते हैं ह्यूमिडिटी को सॉइल में। सॉइल में जब हम इसको डालते हैं नेचुरल फर्टिलाइजर को, तो ये उसकी इंक्रीज ह्यूमिडिटी की की मात्रा को इंक्रीज कर देते हैं। और केमिकल फर्टिलाइजर क्या करते हैं, दीज डू नॉट इंक्रीज द ह्यूमिड कंटेंट ऑफ द सॉइल। ये ह्यूमिड के अमाउंट को इंक्रीज नहीं करते हैं। तो ये डिफरेंस है इसमें कि ये करते हैं इंक्रीज कर देते हैं ह्यूमस को और ये इंक्रीज नहीं करते हैं। थर्ड पॉइंट है कि एग्जांपल्स आर मैन्योर
कंपोस्ट, बोन मील्स, ए मिक्सचर्स ऑफ क्रस्ट एंड कॉर्सली ग्राउंड बोन्स। तो ये सब चीज़ें इसके एग्जांपल्स हैं। एंड बार्क ऑफ नीम, मतलब है नीम की पत्तियाँ हो गई हैं, और कंपोस्ट खाद को कहते हैं, बोन मिल्स है, ये सब चीज़ें हैं, ये एनिमल्स और प्लांट से प्राप्त होते हैं। और केमिकल फर्टिलाइजर्स में क्या है, एग्जांपल्स कौन कौन से दिए हैं, यूरिया, ठीक है, अमोनियम सल्फेट, और क्या है, पोटास एंड NPK यानी कि नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटेशियम फर्टिलाइजर्स, ये सब फर्टिलाइजर्स के नाम हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स, जिनको कहाँ बनाए जाते हैं, फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। तो बच्चों ये आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा जो था, ये फर्स्ट पॉइंट था क्लासिफिकेशन का, जिसमें फर्स्ट के तीन पार्ट थे, प्रिपेयरिंग करना यानी सॉइल को प्रिपेयर करना, इसमें फर्स्ट था प्लगिंग, सेकंड है लीविंग, और थर्ड है अप्लाइंग फर्टिलाइजर्स। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। सो बच्चों इसमें देखिए कि अभी आपने इसको पहले देखा कि क्या है, जो है नेचुरल फर्टिलाइजर्स और केमिकल फर्टिलाइजर। तो अब इसमें देखिए जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं उससे क्या, किसे क्या बेनिफिट है या नहीं है, इसमें आगे बताया गया है। देखिए केमिकल फर्टिलाइजर्स में गेट वेस्ट, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स से वेस्ट प्राप्त होते हैं, इनटू वाटर बॉडीज, वो वाटर बॉडीज में जाते हैं थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड लीचिंग प्रोसेस के थ्रू के सहायता से जब वाटर बॉडीज़ में ये पहुँचते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स के वेस्ट जो होते हैं, एंड और क्या काम करते हैं, हार्म फिशेस एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स, वो क्या काम करते हैं, वो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं यानी जल में जो एनिमल्स रहते हैं, पॉन्ड में और तालाब में और नदियों में, और फिशेस होती हैं, इन सबको हानि पहुँचाते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं। तो सीपेज इनटू ग्राउंड वाटर आफ्टर ह्यूमन हेल्थ आल्सो, और चूंकि ये ग्राउंड वाटर के थ्रू आते हैं तो इस तरह से ये हम लोग तक भी पहुंचते हैं पानी के थ्रू, ग्राउंड वाटर जो हम लोग यूज़ करते हैं तो उसमें भी मिलते हैं, तो उससे ये ह्यूमन हेल्थ को भी नुकसान पहुंचाते हैं यानी उस पर भी इफ़ेक्ट डालते हैं। तो देयर ओवर यूज शुड देयर फॉर बी अवॉइड, तो हमें ये कोशिश करना चाहिए कि केमिकल फर्टिलाइजर्स जो हैं इनका यूज़ अवॉइड करना चाहिए, मतलब हमें इसका यूज़ नहीं करना चाहिए ना के बराबर, क्योंकि ये नुकसान पहुंचाते हैं ये ह्यूमन हेल्थ को भी और एक्वेटिक प्लांट जो एनिमल्स हैं और जो प्लांट्स हैं सबको ये हानि पहुंचाते हैं, तो इसलिए इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। तो सो देखिए इसके बाद आपका इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट तो कंप्लीट हो गया। फर्स्ट पॉइंट में आपका क्या था, सॉइल की प्रिपरेशन करनी थी, उसमें प्लगिंग था दूसरा, और सेकंड पॉइंट उसके बाद, फिर थर्ड पॉइंट, तीनों पॉइंट मैंने आपको बता दिया। अब आता है क्लासिफिकेशन जो बताया गया था, उसमें से सेकंड पॉइंट है कि सेलेक्शन एंड शोविंग ऑफ सीड, किस तरीके से बोना है सीड को और उसका कैसे सेलेक्शन करना है, इसमें ये बताया गया। देखिए सेलेक्टिंग गुड क्वालिटीज़ हेल्थी सीड इन द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप को यानी फसल के प्रोडक्शन के लिए नेक्स्ट पॉइंट है कि सीड को हमें देख लेना चाहिए कि वो हेल्थी हों और गुड क्वालिटी के हों, ये देखना ज़रूरी है बोने से पहले। इन इंडियन ए गवर्नमेंट बॉडीज कॉल्ड द नेशनल सीड कॉरपोरेशन, ये क्या है, NSC, NSC का मतलब होता है नेशनल सीड कॉरपोरेशन। तो इन इंडिया, भारत में एक गवर्नमेंट बॉडीज कॉल्ड, जो गवर्नमेंट संस्थाएं होती हैं जो इसको प्रिपेयर कर, मतलब सीड को जो देती हैं, तो उस सीड का क्या नाम है, नेशनल सीड कॉरपोरेशन, तो इसके थ्रू इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड क्वालिटी एग्रीकल्चर सीड। ये क्या करते हैं,
ये प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं किस चीज़ का, ये एक संस्था है जहाँ से ये प्रोड्यूस होती हैं गुड क्वालिटी के एग्रीकल्चर सीड प्राप्त होते किए जाते हैं। तो एन आगे देखिए, आगे क्या है कि एन एस सी हैज़ आल्सो हेल्प इन सेटिंग अप सीड टेस्टिंग लेबोरेटरीज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्रीज। तो एन एस सी क्या का, इनके पास क्या क्या सुविधाएं हैं, ये हेल्प करते हैं सीड के टेस्टिंग में। इनके पास लेबोरेटरी होती है जहाँ पर ये इसकी टेस्टिंग करते हैं कि सीड हेल्थी हों और अच्छी क्वालिटी की, उच्च क्वालिटी की हों, डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्रीज, और उन्हें डिफरेंट कंट्री के अलग अलग देशों में सप्लाई किए जाते हैं। तो इस तरीके से एक गुड क्वालिटी के बीज को हमें लेना चाहिए। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जब बनाऊँगी तो उसमें आपको इसके आगे के पोर्शन को मैं बताऊंगी, यानी कि एक्टिविटीज़ में बताऊंगी कि किस प्रकार से सीड का सिलेक्शन होना चाहिए। सो आपको कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, और अपनी जो भी क्वेरीज़ होंगी वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, वो भी मैं आपका पूरा करने की कोशिश करूँगी। और आज के लिए बस इतना ही।